रहमान रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए और आपको थोड़ा इंतज़ार करना, उसके लिए थोड़ा मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है 15 नवंबर, उसमें हमने इस शहर के लोगों को अवेयर किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर किया था कि मैग्नमाइजेशन के लिए जो पैसा आया 38 करोड़ रुपीज़, वो एक 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट हुआ है, मखसूस जगह पे उसको लगाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ जो पैसा लगा है वो मैंने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैग्नमाइज का जो पैसा आया था 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया है। और ऑनरेबल मेयर साहब ने ये भी ओन किया, ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने ग्रीन बैलेट में पैसा लगाया। और उसने ये भी कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कोट करता हूँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा कि क्या ये लोग हकदार नहीं है, हमने ये बात नहीं, उसने ये बात भी की कि जो निशात है, जो बुलवाड है, वो भी ग्रीन बैलेट में है। उसने ये भी मेंशन किया था कि यहाँ शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ सुन्नी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्या वहाँ के लोगों हकदार है, यहाँ के लोग हकदार नहीं है। पहली बात ये क्लियर हुआ है कि मैग्नमाइजेशन के लिए जो मैं 38 करोड़ कह रहा था, उसने कहा कि 40 करोड़ रुपये लगे हैं, ये अलाटमेंट है 40 करोड़ रुपये मैग्नमाइजेशन के लिए, ये अलाटमेंट दे रहे कमिश्नर साहब। इस 40 करोड़ में से भी 20 करोड़ रुपये लगे हैं जड़ीबल और हज़रतबल, ठीक है। हमने चाहे शिया कम्युनिटी के लोग हो, चाहे सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सारे भाई हैं, हमने बात की है शहर के मैग्नमाइज के लिए जो पैसा आया है वो पैसा एक मखसूस जगह पे क्यों लगा। और अगर NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बैन है, वहाँ पे हम मैग्नमाइज नहीं कर सकते हैं। LCM कह रहे हैं कि हमने कोई NOC नहीं दी, वहाँ पे सरकार ने मैग्नमाइजेशन कैसे की। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, मैं लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी अवेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पर दिन में लोग 50,000 लोग जहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे हमें प्रायोरिटी देनी है मैग्नमाइजेशन के लिए, कि वहाँ पे हम प्रायोरिटी जाके देंगे जहाँ पे 10 लोग चलते। हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था और उसका ऑनरेबल मेयर साहब ने एक्सेप्ट किया था कि हमने लगाए। अब उसने ये कहा था कि स्कैम क्या है, स्कैम देखो क्या है, ये जनाब अलाटमेंट्स 38 अलाटमेंट्स है, इसमें से 98 लाख रुपये अलाटमेंट है, इसमें 7 लाख रुपीज़ अलाटमेंट है, ये वो अलाटमेंट्स है जो इस महीने एक्जन साहब अलाटमेंट दे रहे हैं। अगर अलाटमेंट कंट्रैक्टर को मिलता है, अलाटमेंट के बाद उसको मैग्नमाइज करना है। ये जनाब स्कैम देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि पिछले महीने हमें मैग्नमाइज किया है, पिछले महीने, और इस महीने ये लोग अलाटमेंट दे रहे हैं, ये स्कैम है। अब अगर आपका ये सवाल होगा कि अलाटमेंट हम बाद में दे सकते हैं, हम LOI देंगे, लेटर ऑफ इंटेंट, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट तब मिलती है जब आप FDR 3% या 2% गवर्नमेंट को पैसा भरोगे, FDR भरोगे, CDR भरोगे, तब जाके आपको LI मिलेगी, उसके बाद आप काम स्टार्ट करोगे। इस महीने ये FDR भर रहा है, इस महीने ये CDR भर रहा है, इस महीने इसको अलाटमेंट मिल रही है, एक अलाटमेंट नहीं है, ये कम से कम 7-8 करोड़ रुपए की अलाटमेंट से, और ये कह रहे कि हमने पिछले महीने मैग्नमाइजेशन की, ये एक स्कैम है। मेयर साहब कह रहे हैं कि मैं कोई एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं हूँ। हमने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमारे कमिश्नर साहब है, हमारे एग्जन साहब खालिद है, सिटी एग्जन जो है। मेयर साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझे कुछ कॉरपोरेटर, पहले तो उसने बदतमीजी की है, उसने बोला कि 2 पैसे के कॉरपोरेटर, वो इस शहर के फादर ऑफ सिटी है, उसको मेयर को कहा जाता है फादर ऑफ सिटी। मुझे नहीं लगता कि जो मेयर हो और पढ़ा लिखा हो उसको शोभा देता था उसने कॉरपोरेटर को कहा कि ये दो पैसे के ये कॉरपोरेटर, उसको ये नहीं कहना चाहते जिन कॉरपोरेटर की वजह से वो मेयर कुर्सी पे बैठा है। और BJP ने भी उस टाइम सपोर्ट किया था, जब पहली बार जुनैद मेयर बना तब हमने इसको सपोर्ट किया था, उस टाइम वसीला आए थे सजाद गनी लोन साहब, क्योंकि उस टाइम में PC में थे, उसके बाद इसको PC से निकाला गया, फिर हमने BJP ने आदमी अजमात करके उसको मेयर कुर्सी से उतारा, क्योंकि हमें तब भी लगा था स्कैम हो रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरी बार ये मेयर बना तब वसीला आया अल्ताफ बुखारी, इसने अल्ताफ बुखारी की पार्टी ज्वाइन की, और पार्टी इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं फिर से मेयर बनूँ।
उस टाइम भी बीजेपी ने सपोर्ट किया और मेयर बनाया। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक हम जम्मू गए थे, वहाँ से मीटिंग हुई है, हम ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और ऑफिशियली हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम जुनैद मुत्तू को जो सपोर्ट हमने दिया था वो सपोर्ट हम वापस ले रहे हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप अदमिया दायर कर रहा वहाँ पे नो कॉन्फ्रेंस मोशन, हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि इस शहर को हम बचाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हालांकि सरकार पैसा दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, हाउसिंग डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है, हमारे पास अपना रेवेन्यू जनरेट है, लेकिन वो पैसा मिसयूज़ हो गया है, वो पैसा ज़ाया हो गया है। हम एसीबी को लेटर लिखेंगे, हम विजिलेंस को लेटर लिखेंगे, विद प्रूफ हम देखेंगे अगर इस महीने अलाटमेंट हुई ये कैसे कह सकते कि पिछले महीने काम हुआ है। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने खुद ही कमिश्नर से अप्रूवल के बाद इन लोगों ने चेंज ऑफ साइट की है, वो भी एक स्कैम है। चेंज ऑफ साइट कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने अप्रूवल भेजा है लाल चौक हमें मैग्नमाइज करना है, आप लोगों ने चेंज ऑफ साइट करके दूर, वो भी स्कैम है। लिहाजा दूसरी बात, मेयर साहब ने कहा कि मैं कोई प्रिक्यूरमेंट एजेंसी नहीं हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो कमिश्नर साहब करे। अगर इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो ये कैसे कहता है कि मुझे कॉरपोरेटर ब्लैकमेल कर रहे हैं, इलीगलिटी पे साइन करो, जब ये खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि जनाब मैं तो इलीगल पे साइन नहीं करूँगा, वहाँ से कह रहा है कि मैं जनाब एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं हूँ। अगर इसमें दम है, अगर इसमें गट्स है, ये एविडेंस दे, ये उस कॉरपोरेटर का नाम बताए किसने इसको बोला किस फाइल पे आप साइन करो, इसकी तो कोई अथॉरिटी नहीं है। नंबर तीन, ये थोड़ा एसएमसी कॉरपोरेशन में जो स्कैम हुए हैं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है वो लोग अयाशी, हमें क्या करना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल ही नहीं है एसएमसी में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉरपोरेटर एक है, वो है सलमान अली सागर साहब। परवेज कादरी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये था, परवेज कादरी भी था, इसने भी रिज़ाइन करके जब उन्होंने बायकॉट किया इन्होंने रिज़ाइन करके इलेक्शन लड़ा, परवेज कादरी ने भी इलेक्शन लड़ा। परवेज कादरी ने तो डिप्टी मेयर कुर्सी, जब वो डिप्टी मेयर बना वो तो जुनैद मुत्तू है जिसने उसको डिप्टी मेयर बनाया, तब तो बीजेपी ने अपना डिप्टी मेयर उठाया था। परवेज कादरी तो बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा है, वो कैसे बीजेपी के साथ अलायंस कर सकता है, वो कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर सकता है? और अलायंस हमारा काम नहीं है, अलायंस के लिए हमारी पार्टी बैठी है, वो नेशनल लेवल पे करे स्टेट लेवल पे वो उनका काम है, वो उनका डोमेन है, वो हमारा डोमेन नहीं है। हमारा ये मकसद है इस शहर को हमें बचाना है, जो कॉरपोरेटरों को एम्पावरमेंट नहीं मिल रही है। हमें क्यों मीडिया पे बार बार आना पड़ता है? ये कह रहा है कि जनाब आप लोग एक आईएएस ऑफिसर को आप ह्यूमिलेट करते हो, बदतमीजी करते हो। जब कहीं पे आप लेटर भेजते हैं ना, नीचे चाहे कमिश्नर साहब लिखे, चाहे जॉइंट कमिश्नर साहब, चाहे सेक्रेटरी साहब, वो पहले नाम लिखते हैं ऑनरेबल मेयर, उसके बाद ऑनरेबल डेप्टी मेयर, उसके बाद लिखाते पहले ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स, उसके बाद कमिश्नर। ये कमिश्नर ये कहेंगे कॉरपोरेटर दो पैसे के हैं। हम कमिश्नर को जनाब सवाल करते हैं हमारे एरिया में काम डेवलपमेंट क्यों नहीं है, ये कह रहा आप बदतमीजी कर रहे हो। हमने तो जुनैद मुत्तू के साथ बदतमीजी नहीं की, हम तो कह रहे कि अकाउंटेबल अगर है वो है कमिश्नर साहब। अब अगर हमने उसके साथ बदतमीजी की, काउंसिल कैसे लगती है आप लोगों को पता है? काउंसिल कैसे लगती है? काउंसिल में कंसर्न पुलिस होता है, कंसर्न सीआईडी वाले होते हैं, जितने भी स्टेट के एजेंसीज होती है काउंसिल में वो सारे मौजूद होते हैं। अगर हमें ह्यूमिलेशन करनी होती हम कमिश्नर के ऑफिस जाते, उसको वहाँ पे ह्यूमिलेट करते। हम कभी कमिश्नर के ऑफिस में नहीं गए, हम कहते कमिश्नर साहब आप काउंसिल बुलाइए, मेयर साहब आप काउंसिल बुलाइए, सारी एजेंसीज वहाँ पे होती है, वहाँ पे मीडिया वाले होते हैं, हम मीडिया के सामने आपको सवाल करेंगे, आप सवाल का जवाब दे दो। काउंसिल इसलिए नहीं लगते, इनको पता है इन लोगों ने स्कैम किया है। लिहाजा हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनैद मुत्तू को जो सपोर्ट बीजेपी ने दिया है वो सपोर्ट वापस ले रहे हैं। दूसरा, ये धमका रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये कह रहा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला अगर कोई कुछ कहेगा मुझे बताओ। और जनाब आपको चार साल हुए मेयर बनते हुए, आपने तो यू हैव ट्राइड मोर देन 200 टाइम्स टू गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपको तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली। आपने तो
होम मिनिस्टर साहब को अपॉइंटमेंट के लिए पता नहीं किस किस कॉर्नर से फ़ोन करवाया, आपको तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली। आप या एलजी साहब को डरा सकते हो, चीफ सेक्रेटरी साहब को डरा सकते हो, हम डरने वालों में से नहीं है। हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कि हमें ट्रांसफ़र किया जाएंगे। हम हकीकत बयान करते हैं और हकीकत ये है, स्कैम ये है। 38 अलाटमेंट इस महीने हुई, पिछले महीने इसमें मैग्नामाइज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर आसिम मसूदी साहब है, ये कुछ बयान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह श्रीनगर शहर में डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं है, ये कॉरपोरेशन यहाँ बनी थी इसलिए कि शहर के लोगों को इससे फ़ायदा मिले और इससे हर इलाका, जितने भी वार्ड है यहाँ पर 74 वार्ड्स है, उनमें डेवलपमेंट हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पैसा आया और इस वक्त भी जो पैसा, बहुत सारा पैसा, मुझे लगता है इतना पैसा म्यूनिसिपलिटी में इस वक्त मौजूद है जो ये खाली कुछ जगहों पर लगाते हैं और उस पैसे को ये मार्च में फिर यहाँ पर लेपस हो जाते हैं। उसका सीधा सा ये सवाल है कि ये जो कॉरपोरेशन में बैठे हैं बड़े पोस्ट पर, ये नाबकार है, इसको कुछ आता नहीं है करना। बीजेपी ने एक एजेंडा उठाया यहाँ पर, हम डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है और उसके साथ बीजेपी वादा बंद है। बीजेपी ने जम्मू में भी मेयर चेंज किया है, डिप्टी मेयर चेंज किया है और मुझे लगता है यहाँ पर जो खाली 15 की 16 कॉरपोरेटर जो चिन्ह पर जीत कर आए हैं, जिसमें आज एक कांग्रेस के हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक अपनी पार्टी का है, कुछ एक लेडी है वो पीडीपी पर आई है, बाकी वहाँ कम से कम 55 से 60 कॉरपोरेटर जो है वो इंडिपेंडेंट है। हम उनको बोलना चाहते हैं, अगर आप नो मोशन कॉन्फ्रेंस इसको करते हो, बीजेपी उनके साथ है, बेशक बीजेपी उनके साथ है, जिसको भी मेयर बनाना है वो बने, मगर शहर को बचाने के लिए, शहर को बचाओ, शहर के लोगों को बचाओ, क्योंकि शहर में लोग एक लाइट के लिए तरस रहे हैं, ड्रेनेज के लिए तरस रहे हैं। एक ऑनरेबल कॉरपोरेटर है मेरे इलाके में रह रहा है, 2 साल से वो कॉरपोरेशन में जाता है ड्रेन बनाने के लिए, उस इलाके की ड्रेन बनाओ, जनाब वो ड्रेन आज तक नहीं बनी, अफसोस। आप लाल चौक से निकले नारबल तक जाइए, जो म्यूनिसिपलिटी एरिया आता है, कोई वॉशरूम नहीं बना है। आप सनवार से निकले, आप पंथा चौक तक जाइए, किसी जगह वॉशरूम नहीं है। आप लाल चौक से, जहांगीर चौक से निकले, नवगांव मोड़ तक कोई वॉशरूम नहीं है। आप रामबाग से निकले, सनत नगर बाईपास पर जहां हजारों लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पर कोई वॉशरूम इन 3 सालों में 4 सालों में नहीं बना है। मुझे लगता है कुर्सी की लालच इसको होगी, भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी की लालच नहीं है। हमने 2018 में चीफ मिनिस्ट्री यहाँ की छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को कोई कुर्सी की लालच नहीं है। आज भी हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बोलते हैं कि अगर आपको एतमाद करना है, बीजेपी का सपोर्ट, हमारे 4 कॉरपोरेटर जीत कर आए, चारों का सपोर्ट हम उस ऑनरेबल मेयर जो बनेगा या इसको गिराने में, वो चारों का सपोर्ट मिलेगा। ये हम पार्टी हेडक्वार्टर में आज उन लोगों के साथ वादा करते हैं और इसको, मुझे लगता है इसकी तरह बीजेपी वाले नहीं हैं जो रोज़ रोज़ पार्टियां बदलाएंगे, रोज़ रोज़ एक पार्टी से निकालेंगे, इसको दूसरी पार्टी में शेल्टर लेने जाएगा। वो गलतियां हम नहीं करते ना, हम ऐसे लोग हैं। बीजेपी खाली एक चीज़ पर विश्वास रखती है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर सिटी की डेवलपमेंट हो, स्मार्ट सिटी का जो
सपना हमारा है वो स्मार्ट सिटी पूरा हमारा सपना हो जाए, इसलिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर शहर के लोगों को और यहाँ पर हर एक व्यक्ति इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ है। उसका कारण खाली एक मेयर है जिसने आज तक यहाँ पर म्यूनसिपलिटी में खाली गंद मचाई है और कुछ नहीं है, ना काउंसिल लगता है, ना ऑफिस आता है, ना कुर्सी पर कभी बैठता है। परसों उसको जब यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिन वो उसके बाद ऑफिस में आया, आज तक नहीं आया। मैं चाहता हूँ इन जितने भी ये ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स है वहाँ पर इंडिपेंड, उनको एक मोशन करनी चाहिए, उनको गिरानी चाहिए और नया मेयर कोई जो शहर वालों को इस मेयर कुर्सी का फ़ायदा मिले। और मैं माध्यम से अल्ताफ बुखारी साहब को भी बताना चाहता हूँ, वो भी एक ज़िम्मेदार है, वो भी एक अकाउंटेबल है, ये उस पार्टी का मेयर है, उसको भी चाहिए कि वो बताए। वो तो बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम शहर में डेवलपमेंट करेंगे, फिलहाल तो मेयर अपनी पार्टी का है, कहाँ पे शहर में डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपके माध्यम से अल्ताफ बुखारी साहब को भी बताना चाहता हूँ, आप भी अकाउंटेबल हो, आप भी मेयर को जवाब मांगो। नया दो बार जुनैद साहब मेयर बने, बीजेपी की मेहरबानी है। और जब बीजेपी एक कॉरपोरेटर था जुनैद मोटू, जब बीजेपी एक कॉरपोरेटर को मेयर बना सकती है, बीजेपी के अपने 8 कॉरपोरेटर हैं, वो कभी भी जब भी चाहे बीजेपी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपना मेयर भी बना सकते हैं, अपना डिप्टी मेयर भी बना सकते हैं। लेकिन हमने सोचा जुनैद साहब पढ़े लिखे हैं, बाहर गया है, इसके पास एक्सपोजर है, लेकिन एक्सपोजर आपके सामने है, शहर की हालात आपके सामने हैं, शहर की सड़कों की हालात आपके सामने हैं, लाइटों के हालात आपके सामने हैं। इसने सही बात कही, कहाँ पर वॉशरूम है? CTPT से इतना पैसा आया, करोड़ों रुपये आया, कहाँ पे है? अब आपने वो तो कॉरपोरेट ऑनरेबल जो हमारे कॉरपोरेटर्स है, दे हैव टू डिसाइड उनको क्या करना है। लेकिन हम उनको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आप किसी चीज़ से डरो मत। अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट करना चाहते हो, चाहे वो मेयर को करें चाहे डिप्टी मेयर को करें, हम हर हालत में उनके साथ। कोई सपोर्ट नहीं है जो ऑनरेबल मेयर अभी इस शहर के हैं।